हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्रोणास। मैं राजा सर, मैथ्स का टीचर द्रोणास का। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक नया चीज़ डिस्कस करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। जिस कॉन्सेप्ट से एसएससी बोलिए, रेलवे बोलिए, या हमारा स्टेट पीएससी, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस, या दूसरा कोई भी एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। मतलब नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का मतलब कोई भी प्रोडक्ट के एंड में नंबर ऑफ जीरो काउंट करने का जो मेथड है, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। अब आप पूछोगे कि सर नंबर ऑफ जीरो काउंट करते कैसे, ऑब्वियसली उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो कोई भी नंबर के पीछे आप जीरो देखते हो, उसके पीछे एक बहुत बेसिक सा क्राइटेरिया है। ओके, सबसे पहले वो क्राइटेरिया जानते हैं। दुनिया में या पूरा नंबर सिस्टम में ऐसा सिर्फ दो ही नंबर है, दो ही प्राइम नंबर है, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसके एंड में जीरो आता है। कौन है दो प्राइम नंबर? दैट इज 5 and 2। देखिए 5 and 2, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है? दैट इज 10। एंड में एक जीरो आया। तो 5 and 2 को मल्टीप्लाई करने से ही सिर्फ और सिर्फ कोई भी प्रोडक्ट के एंड में जीरो पॉसिबल है। तो आप बोलोगे कि सर 5 and 2 क्यों, दूसरा भी बहुत सारा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके जीरो आता है। ऑब्वियसली जीरो आता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो 15 into 14। ओके, 15 into 14 दैट इज़ 210। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे 5 2 कहाँ है? ऑब्वियसली 5 and 2 है। कहाँ पे? देखिए, जब ये 15 है, 15 को अगर आप ब्रेक करोगे तो आप क्या लिख पाओगे? 5 into 3। और 14 को जब आप ब्रेक करोगे क्या लिख सकोगे? 7 into 2। तो 5 into 3 into 7 into 2, तो देखिए 5 into 2 मिला कि नहीं मिला। तो 5 into 2 मेक्स टूगेदर 10, तो 0 एक आ गया। फिर उसके साथ देखो 5 into 2 दैट इज 10, और 7 into 3 दैट इज 21। तो कितना आया? 210। एन में 0, बट उस 0 के पीछे रीजन है सिर्फ ये 5 and 2। अंडरस्टूड? तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कोई भी प्रोडक्ट के एंड में जीरो आने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 2। 5 and 2 छोड़ के जीरो कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब मैं काउंट करने का एक तरीका आपको बताता हूं। काउंट करने का तरीका मतलब, मान लीजिए 1 5 1 2 को मल्टीप्लाई किया तो 10 तो आ गया, ये तो आसान है बताना। लेकिन मैं अगर डायरेक्टली आपको पूछूं कि कोई प्रोडक्ट के एंड में कितना जीरो आएगा, वो 5 and 2 का नंबर देख के आप कैसे तुरंत बता पाओगे? सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक, मान लीजिए 5 into 5 into 2 into 2 into 2 कितना होता है? 5 5 ज़ा 25 2 ज़ा 50 2 ज़ा 100 2 ज़ा 200। कितना जीरो आया? 2 जीरो आया। ठीक है, अब और एक एग्जांपल देखिए, 5 into 5 into 5 into 5 into 2 into 2 into 2, 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125 125 5 ज़ा 625 625 2 ज़ा 1250 1250 2 ज़ा 1250 2 ज़ा 5,000। कितना जीरो आया? 3 जीरो आया। तो ये दो एग्जाम्पल देख के थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ रहा है कि नंबर ऑफ जीरो काउंट करने का मेथड देख के ही, एक्सप्रेशन देख के ही कैसे बता पाएंगे? देखो, चलो बता देते हैं लॉजिक क्या है। सिंपल, आपको देखना है रिपीटेशन, 5 और 2 के बीच में रिपीटेशन देखना है। द कॉन्सेप्ट इज, जिसका रिपीटेशन कम है नंबर ऑफ जीरो भी उसके बराबर होगा। देख लीजिए पहला एग्जाम्पल में, हाउ मेनी 5 ज़ा देयर 2, हाउ मेनी 2 ज़ा देयर 3। तो किसका रिपीटेशन कम हुआ है? 5 का। कितना बार रिपीटेशन हुआ है? 2 बार। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना आया है? 2 जीरो आया है। दूसरा एग्जांपल में 5 कितना बार? 4 बार। 2 कितना बार? 3 बार। मल्टीप्लाई करके कितना आया है? 5,000। हाउ मेनी 0 3 जीरो। किसका फ्रीक्वेंसी कम था? 2 का फ्रीक्वेंसी कितना बार था? 3 बार था। तो 0 भी कितना बार आया है? 3 बार आया है। अंडरस्टूड? यही है बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। आई होप क्लियर है आप लोगों का। फिर से हम लोग एक बार दिखा देते हैं। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो सिर्फ पॉसिबल है किसका? मल्टीप्लीकेशन के रिगार्डिंग, 5 and 2 के मल्टीप्लीकेशन के रिगार्डिंग। कहीं पे भी अगर 5 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तभी जीरो सिर्फ पॉसिबल है। और काउंट करने का तरीका क्या है?
आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी देखना है, 5 और 2 का फ्रीक्वेंसी देखना है, और जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो भी उतना ही होगा। ठीक है, चलिए अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। पहला एक्सप्रेशन देखिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 99 इंटू 100, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू 100, इसके प्रोडक्ट के एंड में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। कैसे हम लोग सिर्फ 5 एंड 2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अच्छा देखिए, 1 से लेके 100 आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ 5 एंड 2 से, बाकी किसी से ये मान लीजिए 3 है या मान लीजिए 7 है 11 है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 5 एंड 2 से। 2 कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली हर एक इवन नंबर में 2 मिलेगा आपको, 2 में एक 2 मिलेगा, फिर 4 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 8 मिलेगा। और 5 कहाँ मिलेगा? हर 5 का मल्टीपल में, एक बार 5 में मिलेगा, एक बार 10 में मिलेगा, 15, 20, 25, इस तरह चलता जाएगा ये। तो अब मुझे आप लोग पहले एक बात बताइए, तो क्योंकि हमें सिर्फ 5 एंड 2 से ही मतलब है तो उनका फ्रीक्वेंसी चेक करना है। पहला बात मुझे ये बताइए, ये इस प्रोडक्ट में 1 से लेके 100 के प्रोडक्ट के अंदर किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसका फ्रीक्वेंसी कम है? 5 ज़्यादा बार रिपीट हुआ है या 2 ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, देख के आप बता सकते हो। कैसे? देखो, 2 हर एक नंबर छोड़ के 2 का रिपीटेशन आएगा कि नहीं, बिकॉज हर प्राइम नंबर में 2 रहता है। तो यहाँ पे भी एक 2, यहाँ पे भी एक 2, यहाँ पे भी एक 2, फिर 8 में एक 2, 10 में एक 2, 12 में एक 2, इस तरह से 2 तो हर एक नंबर छोड़ते आता ही जाएगा। गैप कम है तो ज़्यादा बार रिपीट होगा, तो सिंपल कम बार कौन रिपीट होगा? 5। क्यों 5 कम बार रिपीट होगा? क्योंकि पहला बार आएगा 5 में, फिर आएगा मान लीजिए 10 में, फिर आएगा 15 में, इस तरह से गैप ज़्यादा है। तो गैप ज़्यादा है तो उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, गैप कम है तो उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर? तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, तो नेचुरल नंबर प्रोडक्ट में किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है? 2 का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है और 5 का फ्रीक्वेंसी कम होता है। आपको किससे मतलब है? क्या दिखाया था आगे वाला एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में क्या दिखाया था? जिसका फ्रीक्वेंसी कम है आपको मतलब उसी से है, मतलब नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ 5 से। क्लियर? मतलब आपको सिर्फ नंबर ऑफ 5 काउंट करना है फ्रॉम 1 टू 100। प्रोडक्ट फॉर्मेट में हाउ मेनी 5s आर देयर फ्रॉम 1 टू 100। अब आते हैं हम 5 निकालने का तरीका के ऊपर। अच्छा, बिफोर शोइंग यू हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ 5s फ्रॉम 1 टू 100, मैं थोड़ा छोटा एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपको क्लियर होगा, ज़्यादा आसान लगेगा समझने में। मैं दूसरा पेज में जाता हूँ। मैं अगर आपसे बोलूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू, ऐसे करते करते अप टू 25, कितना 5 प्रोडक्ट फॉर्मेट में रहेगा? फ्रॉम 1 टू 25 कितना 5 प्रोडक्ट फॉर्मेट में रहेगा? कैसे काउंट करते हैं? मैं पूरा डिटेल में ब्रेक करके आपको समझाता हूँ। देखिए, पहला 5 मिलेगा आपको 5 इट सेल्फ में, दैट इज 5 इंटू 1। दूसरा 5 मिलेगा आपको 10 में, दैट इज 5 इंटू 2। तीसरा 5 मिलेगा आपको 15 में, दैट इज 5 इंटू 3। चौथा 5 मिलेगा आपको 20 में, दैट इज 5 इंटू 4। और फिर 5 मिलेगा 25 में, दैट इज 5 इंटू 5, 2 5 मिलेगा। तो 1 से लेके 25 तक नंबर ऑफ 5s कितना बार प्रोडक्ट हुआ है? देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, टोटल 6 times 5 रिपीट हुआ है। यहाँ पे बहुत गलती होता है, स्टूडेंट लोग डायरेक्टली 25 को डायरेक्टली सिर्फ 5 5s 25 करके नंबर ऑफ 5 का काउंटिंग भी 5 ही कर देता है। बट वहाँ पे गलती कहाँ पे हो जाता है? ये देखो, 25 में एक्चुअली 2 बार 5 रिपीट हुआ है, इन दोनों 5 को ही आपको काउंट करना है। ठीक है, 1 2 3 4 20 तक सब में सिंगल सिंगल है, बट 25 में डबल 5 हुआ है, इसीलिए 1 5 एक्स्ट्रा आएगा, दैट इज़ वाई 6 5s।
बट हम लोग एग्जाम में थोड़ी इतना कुछ याद रखेंगे, इतना कुछ याद रखना पॉसिबल भी नहीं है, गलती हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट में घुस के अगर क्वेश्चन करने जाएंगे तो टाइम भी बहुत लगेगा, सोचना ज़्यादा पड़ेगा। हमें तो चाहिए डायरेक्ट फॉर्मेट, ऑब्वियसली डायरेक्ट फॉर्मेट उसके लिए है। क्या है डायरेक्ट फॉर्मेट? आपको इतना झमेला में जाने का ही ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, नेचुरल नंबर प्रोडक्ट में जो लास्ट नंबर है दैट इज 25, उसको कितना से डिवाइड करोगे? पहले 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है? कितना होता है 5 5 25। देन आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन आया है उसको अगेन 5 से डिवाइड करोगे, कितना आया 1 आया। फिर दोनों क्वेश्चन को आप सिंपल ऐड कर दोगे, 5 + 1 दैट इज कितना बार आया, 6 times। 6 times ही काउंट किया था ना हमने, डायरेक्ट आ गया 6 times। कैसे? लास्ट नंबर को 5 से डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा, अगेन उसको 5 से डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा, उन दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन को हमें एडिशन करना पड़ेगा। दिस इज़ द रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ 5s, नॉट ओनली नंबर ऑफ 5s बट ऑल्सो एनी टाइप ऑफ प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर को आप इस मेथड से निकाल सकते हो, उसका रिपीटेशन, ठीक है? क्लियर? अब आते हैं मेन क्वेश्चन में, जो था 1 to 100 तक हमारा नंबर ऑफ जीरो काउंट करने का तरीका पूछा गया था। अब हम करते हैं, हमें क्या ढूंढना है, सिर्फ 5 ढूंढना है। मेथड क्या बताया था, 100 by 5 दैट इज 20, 20 by 5 दैट इज 4। नाउ मल्टीप्लाई दिस 2 क्वेश्चंस, यू विल गेट 24 5s। That means from 1 to 100 there are total 24 5s multiplied together. Now in, so number of 5s is 24, so the number of zeros is also 24. Understood? ये सबसे basic question है, I hope clear है सबका। Clear नहीं हुआ तो आप लोग comment में बताइए, मैं obviously help करने का कोशिश करूँगा। Okay? Clear? ये गया पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन में। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो के रिस्पेक्ट में, अच्छा अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 500 फैक्टोरियल, 500 फैक्टोरियल के एन में कितना जीरो है, व्हाट डू यू मीन बाय 500 फैक्टोरियल? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × ……… 500 product of 500 consecutive natural numbers starting from 1 that is 500 factorial। तो अभी तो ये question हम लोगों ने किया, सिर्फ expression मैंने बदल के दिया ना, वहाँ पर बोल दिया था 1 to 100, यहाँ पर मैंने 500 factorial बोला, तो आपका method वही रहेगा, number of 5 ढूंढना। but यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, 500 by 5 that is 100, okay? 100 by 5 that is 20, remember। अब लेकिन आपको यहीं पे नहीं रुक जाना है, मैंने एक बार भी आप लोगों को ये नहीं बोला था कि दो ही बार सिर्फ डिवाइड करना है, मैंने बोला था कि क्वेश्चन जो आएगा उसे डिवाइड करना है। अब मैं बता रहा हूँ कितना बार डिवाइड करना है। द लॉजिक इज़ वेरी सिंपल, जब तक आपका क्वोशेंट लेस देन 5 नहीं हो जाएगा तब तक आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 20 है, 20 by 5 दैट इज इक्वल्स टू 4, आ गया लेस देन 5। अब क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है, दैट इज 124 zeros, 124 5s माने 124 zeros। क्लियर? अंडरस्टूड? अब आते हैं और भी एग्जाम्पल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगर इस टाइप का दिया, मान लीजिए 200 फैक्टोरियल इंटू 300 फैक्टोरियल का एंड में कितना जीरो होगा, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन द प्रोडक्ट ऑफ 200 फैक्टोरियल इंटू 300 फैक्टोरियल। आपको पता चल चुका है फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपल 200 by 5 दैट इज 40, 40 by 5 दैट इज 8। अब देखिए 8 को भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 8 by 5, बट आप कितना कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, अरे कम्प्लीटली डिवाइड होने का ज़रूरत भी नहीं है, 5 × 1 = 5, 3 रिमेनिंग आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर से मुझे मतलब नहीं है, मैंने क्या बोला था क्वेश्चन देखना है, 5 × 1 = 5,
तो हो गया, तो 200 फैक्टोरियल में हाउ मेनी जीरोस, 49 जीरोस। अब करेंगे 300 फैक्टोरियल में, 300 बाय 5 दैट इज 60, 60 बाय 5 दैट इज 12, 12 बाय 5 दैट इज 5 टू 10, रिमाइंडर आ रहा है 2, जरूरत नहीं है। 74 जीरोस। तो 200 में नंबर, 200 फैक्टोरियल में कितना जीरो, 49 जीरो, 300 फैक्टोरियल में कितना जीरो, 74 जीरो। अब बीच में मल्टीप्लीकेशन, एक बात ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन में नंबर ऑफ जीरो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन में नंबर ऑफ जीरो ऐड होता है। मतलब 200 में आपका आया था कितना जीरो, 49 जीरो, और 300 फैक्टोरियल में आपका आया था 74 जीरो, दैट इज 123 जीरोस। अंडरस्टूड, 200 फैक्टोरियल इंटू 300 फैक्टोरियल मेक्स टू इंटू 300 फैक्टोरियल मेक्स टूगेदर 123 जीरोस। क्लियर? आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं अब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आसान सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू इंटू 99, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन दिस प्रोडक्ट, हाउ मेनी जीरोस, ध्यान से देखिए। तो कोई जीरो मिलेगा आपको? जीरो का कॉन्सेप्ट क्या बोला था मैंने, प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 2। 2 कहाँ पे रहता है, ऑलवेज इवन नंबर में 2 रहता है। ये जो फॉर्मेट है ये किसका फॉर्मेट है, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स। इवन का तो यहाँ पे आता पता नहीं है, अगर इवन का आता पता नहीं रहेगा तो क्या 2 मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। तो अगर 2 नहीं मिलेगा, अकेला 5 जीरो नहीं बना पाएगा। 5 तो आपके पास है, बट बिना 2 का आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए दैट इज वाई नो जीरोज इन केस ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सिंस देयर इज, सिंस नो 2, क्योंकि कोई 2 नहीं है इसीलिए कोई जीरो नहीं होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके दिया जाता है कभी कभी, कैसे, ये 99 आया, 99 आया, इसके बाद मान लीजिए आपको बोल रहा है 250 इंटू 256। अब नंबर ऑफ जीरो ढूंढो, आपको पता है यहां तक कोई जीरो नहीं है क्योंकि यहां तक कोई 2 नहीं है, बट यहां पे तो 5 है। 256 माने कितना 2 होगा, 256 माने 2 टू द पावर 8 होता है कि नहीं, 256 इज इक्विवेलेंट टू 2 टू द पावर 8, मतलब यहाँ पे 8 2 है। अब आपको ढूंढना पड़ेगा 5, देखिए अब 8 2 आ गया तो 5 भी आपको ढूंढना पड़ेगा। अब 5 कैसे ढूंढेंगे, अब सिंपल हम लोग टेबल पढ़ लेंगे, ठीक है, 5 वन ज़ा 5 एक मिला, 5 टू ज़ा 10 तो नहीं होगा, 5 3 ज़ा 15 एक मिला, ऑड नंबर है, 5 5 ज़ा 25 दो बार मिला, अच्छा मैं 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, 5 7 ज़ा 35 एक बार मिला, 5 8 ज़ा 5 9 ज़ा 45 एक बार मिला, 5 11 ज़ा 55 एक बार मिला, 5 13 ज़ा 65 65। अच्छा यहाँ तक ऑलरेडी देखो 2 4 5 6 7 8 65 तक ही आपको 8 5 मिल गया, मिला कि नहीं, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 5 5 ज़ा 25 दो बार है इसीलिए 2 लिखा है, 5 7 ज़ा 35 5 9 ज़ा 45 5 11 ज़ा 55 5 13 ज़ा 65 8 2 8 5 तो यहाँ तक आपको ऑलरेडी मिल गया है, 8 5 वहाँ तक कितना 2 है, 8 2 बस,
नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, आपको आठ से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 5 15 75 में भी फिर 2 5 मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, आपको तो कम वाला चाहिए, तो किसका फ्रीक्वेंसी कम है, 2 का फ्रीक्वेंसी कितना बार है, 8 बार है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, क्लियर है ये बात। ये कभी कभी दिया जाता है कि ऑड के साथ बीच में फट से एक इवन दे देगा, तो आपको नंबर ऑफ जीरो काउंट करने के लिए बोला जाता है। इसका कॉन्सेप्ट एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नॉर्मली देखा गया नेचुरली जो एक्स्ट्रा वाला नंबर दिया जाता है उसके ही पावर के बराबर जीरो होता है, उसी में सिर्फ नंबर ऑफ टू छुपा रहता है। तो यहाँ पे मैं इतना कुछ ना करके डायरेक्टली भी आपको बोल सकता था 256 को ब्रेक करो, दैट इज 82 माने 80, नंबर ऑफ 5 तो 8 से ज़्यादा होगा ही होगा, ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा और क्वेश्चन, अच्छा और क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ है क्या क्वेश्चन यहाँ पे। हाँ ये क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मान लीजिए 56 to the power 56 इंटू 75 to the power 75, ये एक्सप्रेशन भी आता है, नंबर ऑफ जीरो काउंट करने के लिए बोला है। बेसिक फंडा वही है, 5 and 2 तक आपको पहुंचना है। अब देखो 2 कहाँ पे मिलेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे मिलेगा, इवन नंबर है आपको पता चल रहा है, और 5 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, कैसे मिलेगा, अब आपको इसको ब्रेक करना है इंडिविजुअली, 5 and 2 को सेपरेट करना है। अच्छा पहला बात, 56 का मतलब क्या है, 7 into 8 to the power 56, 75 का मतलब क्या है, 25 into 3 दैट इज 75, ये बात क्लियर है सबका, ऑब्वियसली हम जीरो ढूंढ रहे हैं, बताइए तो शुरू से जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं, जीरो में नंबर ऑफ 7 और 3 का कोई रोल है, जीरो लाने में 7 और 3 का कोई रोल है क्या, नहीं है, तो आप तो इसको डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हो, इसको हम देखेंगे भी नहीं इसके तरफ, ये काट दो इसको, हम फोकस करेंगे 8 और 25, जहाँ पे 5 है जहाँ पे 2 है, चलिए। अच्छा 8 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 2³, ठीक है, और जो 25 है उसको मैं लिख सकता हूँ 5² to the power 75, ठीक है, 2³ to the power 56, 5² to the power 75। अब इसको अगर आप ब्रेक करोगे, इस एक्सप्रेशन को अगर ब्रेक करोगे, कितना आएगा, 2 to the power 3 into 56 दैट इज 168 इंटू 5 to the power 150, 75 to the 150। अब आप बोलिए 2 to the power 168 एंड 5 to the power 150 किसका फ्रीक्वेंसी कम है, 5 का फ्रीक्वेंसी कम है, कितना है 150, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितना होगा, वन फिफ्टी, क्लियर। ये एक्सप्रेशन भी बहुत बार आया था या आता है, क्लियर। चलो और एक एग्जांपल करते हैं, आज ये कॉन्सेप्ट जो है ये ख़त्म कर देंगे, इसको लेके आके और आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट एक ही है, आप अगर एक बार देखेंगे तो बाकी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, 1 to the power 1 into 2 square into 3 cube 4 to the power 4 5 to the power 5 6 to the power 6 24 to the power 24 into 25 to the power 25, इस टाइप का एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरो काउंट कैसे करेंगे। सेम पहला जैसा बात, कौन ज़्यादा रिपीट होगा, ऑब्वियसली 2 ही ज़्यादा रिपीट होगा, क्योंकि हर एक नंबर छोड़ के 2 आ रहा है। बट यहाँ पे काउंट करना पहला जैसा उतना आसान नहीं है, डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि पावर में भी आपको रिपीटेशन चेक करना पड़ेगा, मतलब पावर हो रहा है मतलब आपका रिपीटेशन और भी ज़्यादा हो जा रहा है। चलिए ठीक है, तभी हो जाएगा, तो 2 को छोड़ दीजिए, पकड़ेंगे किसको, 5 को, क्योंकि 5 का रिपीटेशन कम है। अब इस टाइप का एक्सप्रेशन में आप 5 का नंबर काउंट कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से रखिए, 5 कहाँ पे रहेगा, हर 5 का मल्टीपल में 5 रहेगा, एक बार जस्ट पहला बात देखिए क्लियर हो जाएगा, एक दो नंबर का 5 to the power 5 कितना 5 है, नॉर्मली 5 में 1 होता है, और 5 to the power 5 में तब कितना 5 होगा, 5,
प्लस, फिर फाइव कहाँ पे होगा, एक टेन टू दी बार टेन एक्सप्रेशन आएगा, टेन के अंदर फाइव है, टेन के अंदर फाइव है, इसको आप ऐसे सोचो, टू इंटू फाइव टू दी पावर टेन, टू को तो नहीं चाहिए, फाइव टू दी पावर टेन तो कितना पाँच है, दस बार, ठीक है। सिमिलरली फिफ्टीन में पंद्रह बार, ट्वेंटी में ट्वेंटी बार, ट्वेंटी फाइव में यहाँ पे फिर से ध्यान रखना पड़ेगा, फाइव इंटू फाइव टू दी पावर ट्वेंटी फाइव तो दो बार आएगा, ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव, अंडरस्टूड, दैट इज़ फिफ्टी। बस ख़त्म क्वेश्चन, एडिशन करते हैं, फिफ्टी प्लस ट्वेंटी सेवेंटी, एट्टी फाइव नाइन्टी फाइव, दैट इज़ हंड्रेड। देखिए ध्यान से, क्लियर है कि नहीं, अंडरस्टूड। इस टाइप का एक्सप्रेशन में भी आप आराम से नंबर ऑफ फाइव काउंट कर सकते हैं, जस्ट ये वाला फॉर्मेट याद रखिए, पावर फॉर्मेट में रहेगा तो आपको सिर्फ वही फाइव लाना है, लेकिन फाइव का पावर के जगह पे थोड़ा ध्यान देना है, फाइव का जितना पावर होगा, मतलब फाइव का मल्टीपल का जितना पावर होगा, नंबर ऑफ फाइव भी उतना ही काउंट होगा। फाइव का टू दी पावर फाइव तो पाँच फाइव काउंट हुआ, अगेन फाइव का मल्टीपल टेन, टेन का पावर कितना टेन, तो कितना बार पाँच काउंट होगा, दस बार काउंट होगा, फिर पंद्रह, फाइव का मल्टीपल पंद्रह का पावर पंद्रह, तो इसीलिए वहाँ पे भी कितना बार पाँच काउंट होगा, पंद्रह बार, फिर ट्वेंटी का पावर ट्वेंटी, पाँच कितना बार काउंट होगा, बीस बार, ट्वेंटी फाइव में क्यों डबल बार काउंट होगा, क्योंकि ट्वेंटी फाइव मेक्स टुगेदर फाइव इंटू फाइव। ओके, अंडरस्टूड। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, आई होप आप लोगों को समझ में आया है थोड़ा बहुत। इस तरह से मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल के छोटा छोटा और भी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए आगे का वीडियो में, ताकि आपका एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो। अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आए तो इस वीडियो देख के आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जोनास के साथ जुड़िए जुड़ के रहिए, और अगर इस वीडियो को पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय एवरीवन।